अखबार वाले तमाम लोग बैठे होंगे, फोटो खिंच जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ये फिर अखबार वालों को देंगे, अखबार में फोटो छपेगा, ये और अच्छी बात है। लेकिन मैं जानता हूँ लोहा भटके और मारवाड़ के लोगों को, एक पंथ दो काज, छोटे से मुनाफे को भी छोड़ते नहीं है, अखबार को जरूर बेचेंगे रद्दी के भाव, और रद्दी के भाव मेरा फोटो भी बिकेगा सर, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा उस समय तक, क्योंकि आम पे आम गुठलियों के दाम। हाँ लेकिन सर नहीं, देखिए मैं आपको कई चीजें बताऊंगा जिसको सुनकर के आपको अति आनंद की अनुभूतियां होंगी। फिर वो अखबार रद्दी के भाव बिकेगा, रद्दी को हलवाई खरीदेगा, हलवाई अखबार के टुकड़े टुकड़े करेगा, फिर उस पर रख के जलेबियाँ और समोसे बेचेगा, फिर आदमी जलेबी समोसे प्यार से खाएगा, अखबार के टुकड़े को सड़क पर फेंक देगा, फिर कोई कुत्ता आएगा फिर उसे चाटेगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सर हर बार ऐसा नहीं होता है। हाँ अखबार में फोटो छटना भी सौभाग्य की बात होती है। मुझे अच्छी तरह से एक घटना याद है कि मैं आपके जब ब्रह्मा जी का पुष्कर जी में जो मंदिर है वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, आप लोग तो जानते ही होंगे, एक बार मैं उसमें गधों का मेला लगता है, मैं अक्सर वहीं बुलाया जाता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है आज आप लोगों के बीच में फंस गया हो। हाँ मैं तो गधे तो गधों के मेले में ही बुलाने लायक व्यक्ति हूँ, आप देख रहे होंगे। अच्छा पुष्कर के मेले में कवि सम्मेलन भी होता है, वहां पुष्कर में भी ऐसा हुआ, मेरा फोटो खिंचा, खिंचने के बाद अखबार में भी छपा, हलवाई ने भी खरीदा, लेकिन इस बार आपने देखा होगा पुष्कर जी में सारे दुनिया से लोग आते हैं, पूरे संसार से लोग आते हैं, अंग्रेज भी बहुतायत में आपको मिलेंगे। तो दो 20-25 साल की अंग्रेजी लड़कियां भी मेले में घूम रही थी, उनका भी मन हुआ कि हम हलवाई से जलेबी खाएं। अब हलवाई ने जिस पर मेरा फोटो छपा था उसी टुकड़े पर रख के जलेबी बेच दी। अब जलेबी खाने का अपना एक तरीका है, अब जलेबी तो उसने खा ली उन लड़कियों ने, अब फोटो पे लगी थी चाशनी, बगल में उनका बाप जा रहा था, उन्होंने तल्ला मार के पूछा कि इसका क्या करें, तो उसने कहा इसको चाट लो, और मेरा फोटो था उस पे। क्या गौरव की अनुभूति हो रही थी मैं ही समझ सकता। तो सर जोरदार तालियां बजा दो, थोड़ी सी आनंद आनंद हो जाएगा सर, इस हर बार धोखे का शिकार नहीं होता। सर देखिए आनंद तो बिखरा पड़ा है, बस इस आनंद को बनाए रखिएगा।